गाइस हम लोग आ गए हैं मॉर्लिंग लॉन्ग विलेज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज और सॉरी गाइस थोड़ा नहीं दिखा पाए आपको अच्छे से क्योंकि अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही प्यारी मार्केट है और मार्केट में अंदर पार्किंग है गाड़ी हमने पार्क करवा ली है और ये बहुत बड़ी पार्किंग है देख सकते हैं आप ह्यूज पार्किंग और बहुत अच्छी मार्केट भी है यहाँ पे अभी दिखाती हूँ आपको ये सारी शॉप्स हैं बहुत सारी शॉप्स हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग आए यहाँ से डेफिनेटली परचेज करें मैं भी देखती हूँ कुछ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर लूंगी तो ये सारी मार्केट पहले विलेज में चलते हैं पहले विलेज में चलते हैं आई थिंक चलो आ जाओ दिखेगा आ जाएंगे एक चक्कर लगा के मुझे नहीं वहाँ पे बहुत अच्छी चीज दिखी वो बैठने की यहाँ पे एक ब्रिज भी है सिटिंग इसके अंदर सारे गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस है देखा रात को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा फ्लैश लाइट ऑन की हुई है लेकिन कितना नीट एंड क्लीन है वो रोड देख के ही पता चल रहा है किस टाइम भी पता चल रहा है रोड देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना कहीं और आ गई हूँ सीरियसली मतलब एक एक्सपीरियंस लग रहा है कि कोई एक फॉरेन कंट्री जैसी फीलिंग आ रही है पैर देख रही हूँ ये अच्छा ये वाला ब्रिज कह रहे हो क्या नहीं ये वाला ये तो हमने कर ही लिया है ये सब इसके अंदर ही है इसके लिए तो थोड़ा टाइम देना चाहिए एशिया क्लीनेस्ट विलेज यार एक दिन और पहले गए यहाँ पे कल आके बहुत अच्छा विलेज है पता है गाइस मेरा ना मन कर रहा है कि मैं एक दिन एक्सटेंड कर लूँ अपना यहाँ पे इधर स्टे करूँ बिकॉज ये विलेज ना बिल्कुल फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग दे रहा है लिटरली इतना सुंदर लग रहा है ना रात के समय भी इतना प्यारा है रोड एकदम नीट एंड क्लीन और ये बोर्ड देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि वर्थ इट है शायद यहाँ पे मैं भी रहना तो देखते हैं हम लोग डिसाइड करते हैं कुछ डिस्कशन करके आपस में तो फिलहाल तो अभी यही दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत चले आगे गाइस सच में ये विलेज ना रात को इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे ऐसा लग रहा है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं सच में इतनी अलग वाइब है ना यहाँ पे इतनी ही डिफरेंट क्या बताऊं बहुत बहुत मजा आ रहा है यहाँ सचमुच है ना एकदम साफ सुथरा इतना हाँ। साफ सुथरा आज तक मैंने कभी देखा नहीं रात को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करने में मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है रोड देख रहे हो कितनी प्यारी है इतनी मस्त है ना वाओ ये देखो गाइस रोड देखो कितनी जबरदस्त है एक इतना सा भी ना डस्ट मतलब डस्ट इन द सेंस की कुछ भी रैपर वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको रोड पे एकदम नीट एंड क्लीन है देखो बहुत मन है यहाँ पे दिन में आने का बहुत खूबसूरत लगेगा आई थिंक ये गाइस ये भैया हैं इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको जरूर दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी भी आओ यहाँ पे तो इनको कॉन्टेक्ट जरूर करना बहुत अच्छे से आपको पूरा घुमाएंगे तो मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे स्टे पॉसिबल है हमें मिलना देखते हैं अभी बात करते हैं गाइस देखते हैं अगर स्टे पॉसिबल हो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सबका एडवांस बुकिंग होगा मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते अगर मिल गया तो पक्का रुकेंगे नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट टाइम तो आना ही तो चलते हैं सुबह से चाय भी नहीं पीना आज सुबह से चाय नहीं पी कर दिया और अंधेरा इतना हो रहा है कि कुछ शक्लें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी इसके लिए सॉरी मजबूरी में क्या करें आ गए देखना चाहते थे एक बार देख लिया एक्सपीरियंस ले लिया पार्किंग इतनी अच्छी है अंदर यही मार्केट और मार्केट भी इतनी अच्छी है इतना सुंदर विलेज आज तक मैंने तो कभी ऐसा कभी देखा नहीं ये चक्कर हमारे लिए तो चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे गाइस और आपको अच्छे से दिखाएंगे इस बार के लिए सॉरी क्या करें लेट हो गए चक्कर क्या है ना गाइस इधर की रोड कंडीशन थोड़ी सी खराब है जब आप डोके से निकलोगे तो अप्रोक्स 10 किलोमीटर की रोड काफी खराब है तो इसी चक्कर में ना टाइम लग गया तो ठीक है गाइस पार्किंग एरिया में आ गए हैं ये अपनी गाड़ी आ गई और यहाँ पे चाय चाय पियेंगे फिर निकलेंगे तो गाइस यहाँ से मैंने 2 जोड़ा स्टिक्स लिए हैं प्यारी सी और अच्छे से तो दिख नहीं रही होगी मे भी तो मैं होटल जाके जरूर दिखाऊंगी तो चलती हूँ दूसरी वाली शॉप पे कुछ अच्छा लगा तो छोटा छोटा आइटम मैं जरूर लूंगी और ये मैंने लिए हैं ईच जोड़ा स्टिक्स इज 50 रुपीज तो व्हाट इज 100 रुपीज एक्सक्यूज मी
आज ये देखो कितना सुंदर है भैया, खोल के दिखाना है वापस से। गाइस देखो कितना प्रीटी फैन है हवा करने वाला। मैं सोच रही हूँ, मन तो बहुत है बट ये भी सोच रही हूँ दिल्ली में करूंगी क्या इसका। बट बहुत सुंदर है, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये ब्लैक वाला भी है, बहुत प्रीटी है ये भी। काफी अच्छे अच्छे हैं ये। कुछ बैंगल्स हैं आई थिंक, वुडन बैंगल्स और कुछ शोपीस आइटम आपको दिख जाएगा। ये देखो गाइस बैंबू के स्पून्स, ये मेरे पास भी है, मैंने ट्रेड फेयर से लिया था ये सेम टू सेम। ये पानी से दूर जाता है। ये बैठे हैं, चाय पी रहे हो? चाय बन रही है, गुड पियो पियो, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो गाइस ये देखो कितना क्यूट सा बॉक्स है, इयर रिंग्स वगैरह रख सकते हैं। सो आई विल टेक टू। सो द शेप्स आर सेम? यस। लाइट इज कम। तो गाइस मैं ये दो ले रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आए हैं, क्यूट से हैं, छोटे छोटे, तो ले लेते हैं। Take it. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस, इस दिन ही गोप्रो पकड़ लिया था तो मैं शूट कर पाई। और ये मैंने लिया है, बाकी ज्यादा चीजें मैं नहीं ले सकती बिकॉज हम बाइक पे हैं, ये बात मुझे बार बार याद आती है। थैंक यू। सो मैं आपको और कुछ दिखा देती हूँ यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे शोपीस हैं गाइस, इस तरह देख सकते हैं। ये सब हैंडमेड है गाइस, और ये सब बहुत सुंदर है। ये सब बॉक्सेस मैंने ज्यादा बड़े नहीं लिए हैं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो पक्का लूंगी। दीज ऑल आर हैंडमेड बैग्स एंड सच अ ब्यूटीफुल बैग। दीदी हाउ मच इज दिस? 200। गाइस बैग देखो कितने सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। एंड दिस वन, दिस 200, दिस 300। ओके ओके, प्लीज शो मी दिस वन। गाइस बहुत सुंदर शॉप है, सब कुछ हैंडमेड मिलेगा आपको।
मुझे नहीं पता ये किस चीज में यूज में आता है, बट ये बहुत खूबसूरत है, सब लकड़ी का है। ये चाय वाला जो होता है ढकने के लिए, इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया हुआ है। वाटर बॉटल्स, वाओ अमेजिंग। लेट हो रहे हैं, 7 बज के 1 घंटा लगेगा पहुंचते हुए। अच्छा बहुत दूर है अभी हम। मैंने शूट कर लिया, बस दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने, कुछ तो ले लिया। यहाँ पे अच्छी रोटी आ रही है? आ रही है, बता दो। सो गाइस मेरी शॉपिंग हो गई, बहुत थोड़ी सी, यही डिसएडवांटेज है बाइक से आने का, बस और कोई एडवांटेज नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी चीजें थी यहाँ पे। टाइम हो गया गाइस 7 और यहाँ से अभी 1 घंटा लगेगा हमें, देर हो गया। सब टूरिस्ट धीरे धीरे जा रहे हैं अब, तो हम भी निकल रहे हैं अब। मिलते हैं आपको सीधा होटल में, बाय बाय। इसकी शॉपिंग में दिखाऊंगा इसने क्या क्या, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं चाय पी रहा था। कितनी क्यूट है, क्योंकि मैं चाय पी रहा था, मुझे पता नहीं इसने क्या क्या ले लिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस यहाँ की ना सब्जियाँ देखो, करेला कितना बड़ा बड़ा, ये देखो पता नहीं क्या चीज है, ये चावल के साथ खाते हैं, इतनी प्योर वेजिटेबल्स हैं। ये क्या चीज है भैया? ये जलना है, ये भी कच्चा खाता है। अच्छा बाय भैया, गुड नाइट, अच्छे से जाना ठीक है। अच्छे भैया बहुत स्वीट है। गाइस मटर देखो कितने ताजे मोटे मोटे, ये क्या चीज है? ये मछली बोलता है, मछली मछली। कितनी तरह तरह की वेजिटेबल्स हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अपने होटल और अभी टाइम हो रहा है 8:30। भैया चले गए, भैया बहुत अच्छे थे नेचर में, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे ना तो भैया के साथ ही जाएंगे, तो भैया बोल रहे थे बांग्लादेश घुमा के लाएंगे, वहां में तो मैं पक्का जाऊंगी, मेघालय टू बांग्लादेश। ठीक है गाइस आराम करते हैं थोड़ा, डिनर का ऑर्डर पहले दे देते हैं क्योंकि 1 घंटा लगेगा बनाने में इनको अभी। तो ये खड़ी अपनी हिमालयन सामने ही, कल जाएंगे सामान लोड करके सीधा गुवाहाटी, और उसके लिए भी एक बार होटल बुक करना पड़ेगा क्योंकि टाइम 8:30 हो गए हैं। तो मेक मैं ट्रिप से कर देंगे, लास्ट टाइम भी शायद मेक मैं ट्रिप से किया था, मैं देख लूँगा एक बार। तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज हम लोग आके अपने रूम में, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई। मैं ये 5 चीजें लेकर आई हूँ वहां से जो कि मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है एक जूड़ा स्टिक, और एक ये मैंने पेंसिल लिए हैं जो मुझे बहुत प्यारी लगी, और ये भी एक जूड़ा स्टिक है बट ये बहुत प्यारी, और ये सब हैंडमेड है सब कुछ। और ये बॉक्स है गाइज बहुत ही प्यारा, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, मतलब हम गर्ल्स वगैरह लाइक इयर रिंग्स रिंग्स जो भी अच्छा लगे, बट बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, और सिर्फ 50 रुपीज में है। ये इतना सुंदर इतना प्यारा, मतलब गाइज मतलब आई कांट बिलीव ही उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई है सारी चीजें। तो ये सब चीजें तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। आई विश अगर हम कार्स होती तो वो उनके पास बहुत प्यारे प्यारे ना ऐसे बहुत सारे बॉक्सेज हैं, गोल शेप के, रेक्टेंगल शेप के, बहुत सारे शेप्स के हैं। तो कोई बात नहीं, जब कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो पक्का ले लूंगी, अभी फिलहाल इतना ही ले लिया। सो अभी हमने अपना डिनर ऑर्डर कर दिया है, अभी बस गाइज हम लोग खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और मैं कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिलूंगी न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ, और फ्रेश वाइब दिखाऊंगी, सुबह का नजारा क्या रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, वेदर कैसा होगा। सो गाइस मिलते हूँ कल सुबह मॉर्निंग में, तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट ऑल माय यूट्यूब फैमिली।